बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान, एडवोकेट। दोस्तों, हम आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 89 पे कि आर्टिकल नंबर 89 में हमें कौन सा राइट दिया गया है, हमारे स्टेट का कौन सा ज़ाब्ता है जो हमारे आइन का जो ये आर्टिकल डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में सदर पाकिस्तान का वो जो अख्तियार है जो आर्डिनेंस नाफज करने का वो बताया गया है, इस पर बात की गई है। और इसका जो पोर्शन नंबर 1 है वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान स्वाय सैनेट या कौमी असम्बली का अजलास हो रहा हो अगर इस बारे में मुतमैन हो कि ऐसे हालात में मौजूद हैं कि जिनकी बिना पर फौरी कार्रवाई ज़रूरी होगी तो वो हालात के तकाजे और ज़रूरत के मुताबिक आर्डिनेंस वज़ और नाफज कर सकेगा। और इस आर्टिकल का जो पोर्शन नंबर 2 है वो ये कहता है कि इस आर्टिकल के तहत नाफज करदा कोई आर्डिनेंस वही कुव्वत और असर रखेगा जो पार्लियामेंट के एक्ट का असर होता है और वैसे ही पाबंदियों के ताबे होगा जो पार्लियामेंट के अख्तियार कानून साजी पर आयद होती हैं, लेकिन ऐसे हर आर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।